मैं आपको आज वन प्लस जेड का जो हेडफोन है, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मुझे ख़रीदा हुआ करीब ये मान के चलिए एक महीना से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसके बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूँ तो रेड और ब्लैक का जो एक कॉम्बिनेशन है ये बहुत प्यारा है। दूसरी चीज़ मैं इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूँगा तो अगर आप इसको गले में रखते हो, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा ये है कि ये जो नेक पे आता है ये कड़क नहीं है, स्मूथ है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, इसको आप इससे अच्छे से कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, अगर ये आप इसको पूरा टाइम इसको गले में डाल के भी रख सकते हो तो ये कोई हिचिंग नहीं होता है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। और अगर आप हाथ में लगते हो तो ये बहुत प्यारा लगता है। इसको अगर आप ये चीज़ देखोगे तो ये बहुत ही स्मूथ है। आप इसको देख सकते होंगे, ये वन प्लस का है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये बहुत स्मूथ लगता है यहाँ पर, ठीक है। गले में भी कोई इचिंग वगैरह नहीं होती इसे कंटिन्यूसली यूज़ करने से। और यहाँ पर भी है इसका, अगर मैं आपको बताऊँ, ये बहुत हेवी है ये, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से खींच के देखोगे तो ये बहुत हेवी है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। दूसरा, इसका मैगनेट की अगर मैं बात करूँ तो मैगनेट बहुत अच्छे हैं इसके, इसके मैगनेट है बहुत प्यारे इसके मैगनेट, ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, इसका जो पावर बटन, यहाँ कर मैं बात करूँ, इसका जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चार्जिंग के लिए कोई कैप नहीं है, सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के लिए दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव है, पॉजिटिव, प्लस और माइनस, ठीक है, ये पावर बटन दिया हुआ है। इसको आपको बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप मैग्नेट आप अलग अलग करोगे ये अपने आप क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, लगा दोगे तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है, ये इसकी खासियत है। दूसरे, इसके अगर मैं बैटरी की बात करूँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये करीब आपको ये मान के चलिए कि आपको 13-14 घंटे तक का आप कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो भी आपको कंटिन्यू सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़, इंस्टेंट चार्जिंग होता है, अगर आप इसको 15 से 20 मिनट चार्ज कर देते हो तो ये फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें। दूसरा, और मैं इसको अगर मैं बताना चाहूँ कनेक्टिविटी का, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है इसकी। ब्लूटूथ ऑन करूँगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन इसका जो मैग्नेट है मैंने क्या किया है कि चिपका के रखा है। जैसे मैं मैग्नेट हटाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं मैग्नेट हटाता हूँ यहाँ पर आप देख सकोगे ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं मैग्नेट लगा देता हूँ देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया, फिर हटाया कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपको बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इस पर आप क्लिक करो फिर कनेक्ट करो, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने इस मोबाइल से अटैच कर दिया है तो ये हमेशा क्या होगा कि आप जब भी आपका जो मैग्नेट हटाओगे लगाओगे ये कनेक्ट रह जाएगा, डिस्कनेक्ट रह जाएगा। अगर आप दूसरे किसी मोबाइल में करते हो, ठीक है, तब जाकर आपको एक बार ये करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके मैं बताऊँ तो इसका प्राइस मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है, ठीक है, इसका प्राइस करीब करीब आपको 1900 रुपये का पड़ा था मुझे, 1999 का, ठीक है। अभी प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, इसका परचेस भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे।